जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाने वाला शाहनवाज खान के बारे में। क्या सच में शाहनवाज खान का उल्टा गिनती शुरू हो चुका है? क्या सच में दुर्लभ कश्यप की टीम के लड़के अब शाहनवाज खान को नहीं छोड़ेगा? तो आज के इस वीडियो में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। दरअसल बता दूं कि हाल ही में शाहनवाज खान ने दुर्लभ कश्यप के टीम के अभिषेक मारू के ऊपर जानलेवा हमला किया था। हालांकि बताया जाता है कि पुलिस वालों को शाहनवाज खान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, इस वजह से पुलिस वालों ने शाहनवाज खान को छोड़ दिया। लेकिन हाँ, बताया जा रहा है कि शाहनवाज खान जो कि शक के दायरे में आ चुका है। बता दूं कि आज के समय में शाहनवाज खान जो कि एक्टिव हो चुका है, और कुछ दिनों से शाहनवाज खान जो कि कुछ भी नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि शाहनवाज खान सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक्टिव नहीं रहता था। लेकिन आज के समय में बताया जा रहा है कि शाहनवाज खान जो कि फिर से जग उठा है, और वो फिर से दुर्लभ कश्यप की टीम के लड़कों से लड़ना झगड़ना चाहता है। हालांकि उज्जैन पुलिस का ये कहना है कि जितने भी आपराधिक काम करने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बता दूं कि आज के समय में उज्जैन पुलिस जो कि काफी सख्ती से पेश आ रही है, और उज्जैन पुलिस जो कि बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार करेगी। दरअसल बता दूं कि दुर्लभ कश्यप की टीम के लड़कों का भी यही कहना है कि शाहनवाज खान ने ही ऐसा करा है, और शाहनवाज खान को जब भी हम लोग देखेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं शाहनवाज खान को। बता दूं कि दुर्लभ कश्यप की टीम के लड़के आज भी काफी गुस्से में है, लेकिन शाहनवाज खान पता नहीं क्या चाहता है। खैर, आगे बात जो भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाहनवाज खान जिस तरह से जो भी कुछ कर रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं शाहनवाज खान के लिए सही नहीं है। वैसे मैं तो नहीं चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह का आपराधिक काम हो या फिर कोई भी आपस में लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन बता दूं कि दुर्लभ कश्यप की टीम के लड़के भी काफी गुस्से में है, क्योंकि शाहनवाज खान के द्वारा ही कहा जाता है कि अभिषेक मारू के ऊपर हमला करा गया था। अब सच्चाई खैर जो भी हो, पुलिस वाले तो जांच कर ही रहे हैं, और बहुत जल्द दोषी को गिरफ्तार किया ही जाएगा। तो आगे आपको बताएंगे कि और क्या सब होता है, नहीं होता है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में जय श्री महाकाल लिख देना मेरी जान।